हेलो दोस्तों वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल दोस्तों आज हम इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देखेंगे ऑप्शनल में जो 2020 में पूछा गया है तो ये पेपर वन पेपर टू इसी वीडियोस में हम देख लेंगे और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ से आप ये इसका पी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पे आपको ढाई सौ नंबर का सवाल पूछा गया है तीन घंटे का आपको समय दिया गया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं आपसे कहा गया है कि आपको एट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको पाँच क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो कम्पल्सरी करना और बाकी तीनों आप अपने चॉइस से कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि ये कम्प्लीटली इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको हिंदी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा ठीक है आइए तो देखते हैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है डेढ़ सौ शब्दों में द जैकोबियन ड्रामा द इंग्लिश नावल इन एटीन सेंचुरी द सेलियन फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री एंड द विक्टोरियन सोसाइटी इन थाट तो जो इंग्लिश लिटरेचर जिनका ऑप्शनल है जिन्होंने पढ़ा है उन्हें अच्छे से समझ में आएगा आप भी जिनका नहीं है इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल तो यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि आ, किस तरीके का सवाल पूछा गया बेसिकली ये है आपको पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि डिस्कस द वेज़ इन विच किंग लियर एक्सप्लोर द थीम ऑफ पावर विच एलिमेंट ऑफ द एपिक फॉर्म डज मिल्टन इंक्लूड इन पैराडाइज लॉस टू अलाइन इट विद एपिक्स फ्रॉम अर्लियर एराज अब आप बोलेंगे कि ये सब क्या ये सब तो आप जानते ही नहीं है तो दोस्तों ये सिलेबस है जब आप सिलेबस देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर का आप हमारे जो हमारा चैनल है वहाँ के आप प्लेलिस्ट में जाके सिलेबस देख सकते हैं तो दोस्तों वहाँ पे सिलेबस देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है तो वहीं से सवाल पूछा गया है ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ दिया गया है यहाँ पर देखिए क्रिटिकली इवेलुएट करना है कि पोप्स द रेप ऑफ द लॉग एज ए सोशल सटायर नेक्स्ट पूछा गया है कि अकाउंट फॉर द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ वर्ड्स वर्ड्स पोएट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू द प्रिस्क्राइब पोएम देखिए वर्ड्स वर्स जो वर्ड्स वर्थ है इसकी पोएट्री काफ़ी फेमस है ये आपको पी सी के एग्जाम्स में भी जो सिलेबस होता है उनमें भी इनकी पोयट्री को पढ़ना है शेक्सपियर की पोइट्री को पढ़ना रहता है ये सब थोड़ा कॉमन है नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि देखिए यहाँ पे पूछा गया कि विथ स्पेशल रेफरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स नेक्स्ट है द मेटाफिजिकल कंसीट हेल्प्स जॉन डॉन इन फ्यूजिंग बोथ प्रोफेन एंड डिवाइन लव इन टू वन ग्रेट होल इलस्ट्रेट नेक्स्ट पूछा गया है कि इन्हे पैराडाइज लॉस्ट हाउ डज़ मिल्टन सक्सीड इन मेकिंग सटन अ सिंपैथिक कैरेक्टर वाइल एट द सेम टाइम Condemning his actions. Agla hai ki, how does Ibsen externalize inner problems by using effective symbols in a doll's house? Give reasons. How do images of darkness and light work throughout the Tennyson's in memoriam to represent grief, death, knowledge, and life? And how are they developed by the poet throughout the poem? Next, we will discuss kari hai, the tempest as an एलोग्री ऑफ यूरोपियन डिस्कवरी एंड कॉलोनाइजेशन दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में हैं अगर आप पढ़ेंगे वहाँ से तो आपको समझ आएगा यहाँ पर आप देखिए आपको पोएम स्टडी करना है और आपको सवाल का जवाब देना है ये पोएम है पोएम में ये बोला गया है आई नो दैट आई शैल मीट माई फेट सम वेयर अमंग द क्लाउड्स अबव दोज दैट फाइट आई डो नॉट हेट दोज आई गाट आई डो नॉट लव माई कंट्री इज़ Kill tartan cross, my countrymen, kill tartans poor. No likely end could bring them loss, or leave them happier than before. Nor law, nor duty bade me fight. Nor public men, nor cheering crowds. A lonely impulse of delight, druv to this tumult in the clouds. I balanced all, brought all to mind. The years to come seemed west of breath, a west of breath. The years behind, in balance with this life, this death. तो यहाँ से आपसे सवाल पूछा गया है कि द वर्ड बैलेंस जो है यहाँ पे अकर्स मेनी टाइम्स इन दिस पोएम तो इसका सिग्निफिकेंस बताइए और कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है पूरे मीनिंग में उसके बाद आपसे पूछा गया है कि कॉन्ट्रास्ट वट इज़ द इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम नेक्स्ट आपको बोला गया है कि दस द मूड ऑफ द पोएम चेंज एट एनी टाइम इफ सो वट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस चेंजेस टू द पोएम एज अ होल दोस्तों ये तो आप खुद से भी देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपसे होता है कि नहीं नेक्स्ट है कि द पोएम इज़ अबाउट कमिंग टू अ डिसीजन ट्रेस वेरियस स्टेजेस ऑफ दिस डिसीजन बाई एग्जामिनिंग द चेंजेस इन मूड एंड आर्गूमेंट आइडेंटिफाई द मीटर ऑफ द पोएम हाउ डज़ इट सजेस्ट रिपीटेशन एंड प्रोग्रेशन अगला सवाल है कि टॉम जोन्स इज द स्टोरी ऑफ द प्रोटागैनिस जर्नी फ्रॉम इनसेंस वाई एक्सपीरियंस टू विस्टम इलाबोरेट स्टेटमेंट विद इवेंट्स फ्राम फ्रॉम द नावल यानी कि आपको यहाँ पे एक नॉवल पढ़ना होगा जो सिलेबस में होगा उसी में से आपसे सवाल पूछा गया है हाउ डज़ द स्विफ्ट अड्रेस द एनसी एंस वर्सेज मॉडर्न कॉन्ट्रोवर्सी इन द गुलीवर्स ट्रैवल्स गुलीवर्स ट्रैवल्स काफ़ी अच्छी स्टोरी है तो यहाँ से आपसे पूछा गया है प्राइड एंड प्रिजुडाइज ओपेंस अप विद द आयरॉनिक नैरेटिव वॉइस एंड इट इज़ द वन द रीडर हियर्स थ्रू आउट द नावल इलिस्ट्रेट तो ये सब नावल हैं आपको नॉवल लिटरेचर पोएस ये सब पढ़ना रहता है सिलेबस में Next, aap se hai ke, comment on the significance of epigraph. In their death, they were not divided. How does George Eliot portray the relationship of the siblings in the mill on the floss, floss? Hard times is built on the opposition between the fact and fancy. A contrast which gives it both tension and unity. Elaborate. What attitudes to marriage can be? Uh, this concern in the Jane Austen's, Austen's account of Mr. and Mrs. Bennet, second. Charlotte Lucas and Mr. Collins and Lydia Bennett and Mr. Wickham in Pride and Prejudice. Next, it is said sound heart is a sorer guide than an ill-trained conscience. How far is this com comment applicable in the context of the adventures of the Huckleberry Finn? नेक्स्ट है की डिस्कस द हार्ड टाइम्स एज अ क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी हार्डी सब टाइटल टेस्ट ऑफ द दरबे अरबर वाइल्स एज अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रजेंटेड एक्सप्रेस हिज रिजेक्शन ऑफ द कॉन्वेंशनल हीरोइन ऑफ विक्टोरियन फिक्शन यहाँ पे आपको विद येंस टू द नावल तो ये पेपर वन था पेपर टू डिस्कस कर लेते हैं पेपर टू में आपसे कहा गया है कि देखिए यहाँ पे कमेंट करना है क्रिटिकली कमेंट करना है डेढ़ सौ शब्दों में मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर ब्रेक बीटर फ्यूरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दोज इमेजेस दैट एट फ्रेश इमेज बिगेड दैट डॉल्फिन टोन दैट गोंग टमेंटेड सी तो यहाँ पे अच्छा और भी है ऑल दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो आई रिमेंबर दैन एंड दैट आई वुड डू इट अगेन बद सेट डाउन दिस सेट डाउन दिस वर वी लेड ऑल दैट वे फॉर बर्थ और डेथ Iliad. Uske baade ki barbed wire enclosed an arbitrary spot where bored officials longed, one cracked joke, and sentries suited for the day was hot, Auden. Their beauty has thickened, something is pushing them to the side of their own lives, Larkin. Next take, the new poets still quoted the old poets, but no one spoke in verse of the pregnant woman drowned with perhaps twins in her. किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ रामानुजन तो ये पोएम देख के और ये लाइन्स देख के आपको यहाँ पे आंसर करना है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप डिस्कस करिए डबलू बी येस्ड एज ए सिम्बॉलिस्ट एंड रोमांटिक पोएट विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू द पोएम्स इन द सिलेबस ठीक है टी एस एलिय रेडिशन्स ऑफ द माइंड ऑफ द यूरोप आर प्रोफाउंडली प्रॉब्लमेटिक इन सो फार एज दे रिट्रीव सेलेक्टिव पास्ट वट वुड यू अग्री एग्जाम्पल आप दीजिए पोएम से इन द सिलेबस डिस्कस हाउ द क्लोज कनेक्शन बिटवीन मॉडर्निज्म एंड डिफिकल्टी मेड इट मॉडर्निज्म अपीयर इनक्रीजिंगली आइसोलेटेड इलिटिस्ट एंड अ पॉलिटिकल नेक्स्ट है आई शुड रिपीट दैट नाइर द प्राइवेट पर्सन ऑफ द पोएट हिज साइकोलॉजी नॉट हिज सो कॉल सोशल व्यू पॉइंट आर टू कम इन टू क्वेश्चन ईयर What matters is the poem itself as a philosophical sundial of the history. Analyze the poetry of W. H. Auden in the context of this statement. Next, up will Philip Larkin's poetry tentatively explores the possibility of positive meaning in life. Elucidate the statement with a few illustrations from the prescribed poems. The poets of the 30s are critical of the present and nostalgic for the E. Irretrievable past, argue for or against the statement with specific examples from the poets of the period. Next, up while Look Back in Anger represents the problems of the working class life, it is conservative in its representation of women within that milieu. Would you agree, give Regions? E.K. Ramanujan's poem are perfectly balanced between critic and the nostalgia for lost past and homelands. Discuss with reference to the poems in the syllabus. Waiting for the Godhead is a profound meditation on the triad of arrival, waiting, and death, with emphasis on the despair yet necessity of the waiting. Discuss. Section B, I have told you what you have to answer. Karna hai questions. In Lord Jim, Joseph Conrad represents the theme of isolation and draws and search for identity. Elaborate. Discuss the use and significance of a epiphany Fanny's in a portrait of the artist as a young man a glass of the conflict between the gertrude and walter in Sons and lovers is often compared to the social conflict between the middle class and the working class elaborate Next day for the next 55 years, sorry, 35 years, he was to be a wanderer with no place he could call his own, with no family except that which he was to attempt to create out of the engulfing world of the Tulsis. Discuss the significance of the statement with with reference to the novel A House for Mr. Biswas. Discuss the social and political context of human behavior in a passage to India. अगला सवाल है कि लॉर्ड जिम इज़ प्रेडिक्टेड ऑन ड्रामाटाइजिंग द प्रोसेस ऑफ मार्लोव इज डिस्कवरिंग द सब सबटलिटीज़ ऑफ अनदर कैरेक्टर द इज प्रॉब्लम ऑफ हाउ वी कैन पॉसिबली अंडरस्टैंड एंड इम्पिथाइज विद अनदर कैरेक्टर डिस्कस करिए स्टेफन डिडलस आर्टिकुलेट्स एन एस्थेटिक फ्रेमवर्क दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक एट द सेम टाइम इट सीम्स टू प्रामिस हिम फ्रीडम फ्रॉम आयरलैंड वुड यू अग्री गिव रीजनस फॉर योर आर्ग्यूमेंट अगला सवाल है कि क्रिटिकली एनालाइज ऑफ द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल विद रेफरेंस टू द नॉवेल कांठापुरा अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन सन्स एंड लवर्स स्पेशली द पॉल मॉरल स्टूल ऑफ इंटरेस्ट मरियम एंड क्लारा इज प्रॉब्लमेटिक्स इन सो फार एज दे एग्जिस्ट प्राइमरली टू हेल्प पॉल वर्क आउट इज एक्जिस्टेंशियल एंगस्ट अगू फॉर अगेंस्ट स्टेटमेंट द्जाम्पल नॉवल से लेना है आपको E. M. Foster's characterization of India and Indians in a passage to India is well intentioned but flawed. Up mm to -hmm. textual references mm -hmm. Lena pe. Mrs. Uh, Dalovi is a complex rendition of modernist desires and anxieties in, a, in its portrayal of life impacted by World War I. Discuss. Indians can write in English, but they cannot write in with, like the English. Rather, Indian English must become a distinctive and colourful dialect of the language which time along with justify. Analyse Kariye Kanthapura as an English, Indian English novel in the context of Raja Rao's statement. Realities such as poverty and degradation are made to seem uh, grotesque. Their social and ideological contexts are quite removed. Discuss a house for Mr. Biswas for a context of Nepal's failure. To deal with the social and ideological context. Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged but a luminous halo, a formless, shapeless something. Elucidate the statement with textual references from the novel Mrs. Dalloway. So, this ye uh, pura question pattern. Tha. Uh, हो सकता है कि आपको कुछ ना समझ में आया हो और जिनका इंग्लिश लिटरेचर है उनको बहुत कुछ समझ में आया हो लेकिन दोस्तों ये बेसिकली पूरा इस पर्पस का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बताने का यही पर्पस था कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें जो है वो सिलेबस से पूछा गया है ठीक है ऐसा नहीं है यहाँ पर बोला गया है हर जगह कि सिलेबस में जो आपको रिफरेंस दिया गया है जो भी नॉवल आपको बताया गया है जो भी लिटरेचर बोला गया पढ़ने के लिए तो वहीं से पूछा गया है ठीक है तो इसलिए आप एक बार पै पैटर्न देख के पेपर का पैटर्न देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहिए कि नहीं तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू